बैंक का एटीएम इनके पास, आधार कार्ड इनके पास, लेकिन पैसा निकाल लिया गया है, और एक दो बार नहीं, चार चार बार निकाला गया। दौड़ते रहे, कहाँ जाएं, किसे फरियाद करें, साइबर क्राइम का सवाल है, निकालने वाला कहाँ का है। इनके मोबाइल पर मैसेज आ गया, हम हैं प्रवीण तिवारी जी के साथ और इनका पैसा यूनियन बैंक में इनका अकाउंट है, गाजीपुर के मूल निवासी हैं, आगापुर तिवारीपुर इनका गांव है, गाजीपुर के बिरनो थाना अंतर्गत इनका गांव है, थाना पुलिस से लेकर के चारों तरफ दौड़े, क्या क्या हुआ और पैसा कैसे बरामद हुआ, एक कहानी हम आपको संक्षेप में बताते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लगातार साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर सेल के लोग भी इस पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इनका पैसा बरामद हो गया, आ गया इनका पैसा, कैसे कैसे आया और 40,000 रुपया कब कब निकाला, कैसे निकाला गया, इसकी बात हम बताते हैं। प्रवीण जी, एटीएम आपके पास था? जी जी। कभी कोई दुरुपयोग आपने नहीं किया? आधार से कभी कभार आपने निकाला था पैसा? था, लेकिन आधार भी हमारा ही पास था। आधार भी आप ही के पास था और पैसा आपका निकाल लिया गया? जी जी। कितना कितना निकाला गया? 12 तारीख को 10,000, 13 तारीख को 10,000, 14 तारीख को 10,000 और 15 तारीख को, चारों दिन लगातार 12, 13, 14, 15, चारों तारीखों में 10,000 रुपया निकाला गया। तो आप फिर दौड़ते रहे, फिर आप बैंक, अपने बैंक में गए, यूनियन बैंक मैनेजर से संपर्क, जहाँ जहाँ आपका अकाउंट है जिस बैंक में। जी, तो उन्होंने डिटेल निकाल कर हमको दिए, डिटेल निकाल के दे दिया। दे दिया, डिटेल है इनके पास, देखिए यह है, यह अभी निकालना छोटी बात नहीं है, क्योंकि वह इतने व्यस्त रहेंगे मैनेजर साहब और दाएं बाएं करेंगे, तो इन्होंने तुरंत निकाल कर, चलिए आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आपका निकल गया, तो निकाल करके इन्होंने दे दिया। और इसमें उस आरोपी का नाम है, नाम के साथ गांव का भी पता है, उसका मोबाइल नंबर भी है। यह सब कुछ लेने के बाद प्रवीण जाते हैं अपने स्थानीय थाना बिरनो पर। उसके पहले भी कहीं गए थे आप? नहीं नहीं, बिरनो थाना गए, सीधे बिरनो थाना, बिरनो थाना के प्रभारी निरीक्षक ने देखा और उनसे हम संपर्क किए, वह उन्होंने भी सहयोग किया, मतलब वह कहे कि तिवारी जी FIR कर देंगे तो आपका पैसा नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने दो स्टाफ लगाया, जैसे गायत्री प्रसाद तिवारी जी हमारे बिरनो, उनके साथ दो सिपाही लगाए, वह जीएनपुर तक हम लोग पहुंचे और वहाँ लोकल जो यूनियन बैंक में शाखा प्रबंधक थे वहाँ के आजमगढ़ के, उन्होंने बार बार कहा कि हम उसको बुलवा देते हैं, जयेंद्र यादव को बुलवा देते हैं, बुलवाते बुलवाते 5 बजा दिए, बुलवाए नहीं। तब तक हम लोग पुनः लौट करके आ गए बिरनो थाना, सर को छोड़े, फिर एसओ की पत्नी खराब होने के कारण तबियत, वह एसओ साहब पुनः लेकर के, चलिए प्रवीण जी को फिर रोकते हैं, बेचारे एक बार यहाँ से लेकर के गए, गाड़ी वाड़ी अपना किए होंगे, जिसका है उनके पास इस तरह का मिलता नहीं है, TADA मिलता भी नहीं, तो लेकर के गए होंगे और दिन भर मैनेजर साहब, वहाँ के मैनेजर साहब ने झेला दिया, झेलाते झेलाते बेचारे वापस आ गए। ऐसे ही कुछ देर तक, कुछ दिन तक दौड़ करके आदमी थक जाता है और फिर कहता है भैया जो हुआ सो हुआ, अब भैया आपसे संभाल करके रखना है, आपसे दुरुपयोग ना हो। चलिए उसके बाद फिर बेचारे प्रयास करते रहे, फिर एसओ साहब की पत्नी बीमार पड़ गई, नए एसओ साहब आए, फिर दिन रखते रखते कभी कोई घटना हो जाती थी, कुछ हो जाता था, नहीं जा पाए। अंततः सारे डिटेल्स के साथ प्रवीण जी मिले आजमगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे जी से, और उनसे इन्होंने पूरी बात बताया। इस बीच हम बताते चलें कि जो जिसका अकाल डिटेल्स में निकला है वो एक फ्रेंचाइजी का धारक है, फ्रेंचाइजी है फिनो से, फिनो की फ्रेंचाइजी है, और सारा डिटेल्स निकल गया। उससे एसओ बिरनो ने बात भी किया कई बार और बुलाया कि आ जाओ, नहीं आओगे तो मुझे आना पड़ेगा। अरे सर हम आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, सर हम नहीं चलाते हैं, हमारे नाम से है, कोई और चलाता है, दाएं बाएं करता रहा, अंत में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, यही हुआ ना। जी जी। फिर प्रवीण तिवारी मिलते हैं DIG सुभाष चंद्र दुबे से, जो आजमगढ़ परिक्षेत्र के DIG हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और इस मामले की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को दिया। जिस आरोपी की हम बात कर रहे हैं, पहले अपना पता, वह गांव तो निकल गया था, थाना नहीं निकल पा रहा था, तो दूसरा थाना बताया, रौना पार बताया, लेकिन था जीएनपुर का, जीएनपुर का रहने वाला। चलिए हम नाम इसलिए नहीं बताएंगे, पुलिस अभी उस पर काम कर रही है और एक बड़ा गिरोह इसमें पकड़ा जाएगा, लेकिन मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि
डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र श्री सुभाष चंद्र दुबे के प्रयास से इनका 40,000 रुपया वापस हो गया। आरोपी जो थे वह चिल्ला दिए, पैसा वापस हुआ, उनके ऊपर कार्यवाही भी हो रही है। यह रहा भैया, तो सावधान हो जाइए। यदि आप, क्या लगता है आपको, आधार कार्ड से कैसे ऐसे हुआ होगा? अब हमसे तो कुछ मतलब है नहीं, हम तो गाजीपुर के रहने वाले, वो तो रहने वाले आजमगढ़ के, वह कैसे निकाला उसके बारे में। देखिए, केंद्र सरकार ने एक बड़ा काम किया है, अच्छे काम की प्रशस्ति भी होनी चाहिए। इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी डाकिया लोग हैं, डाक विभाग के कर्मचारी हैं, वह उनको पैसा वह दे सकते हैं। आधार कार्ड से आप अपना अंगूठा लगाएंगे, फिर वह वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसके बाद वह पैसे देंगे। तो घर घर लोग दे भी रहे हैं, हम लोग भी कई बार उसका लाभ उठाए हैं और यह योजना बहुत अच्छी है। उसी में एक डाक कर्मी बेचारे मर गए, कोरोना योद्धा थे, आज तक कुछ मिला नहीं, उनका भी हमने वीडियो किया था। बेचारे गए थे, उसी में हार्ट अटैक हो गया। नए लड़के का काम ज़्यादा दे दिया गया, इस गाँव में, उस गाँव में, उस गाँव में। तो यह कोरोना योद्धा, उसको न्याय नहीं मिला अभी तक। जवान बेटा है और अभी कुछ दिन की शादी हुई थी, बहू घर में है और वह दिवंगत हो गया। चलिए, यह बात हम विषयांतर न होते हुए आपसे बताना चाहेंगे कि डीआईजी सुभाष जी के प्रभाव से यह पैसा आ गया और एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हो रहा है। मैं मूल रूप से आजमगढ़ के लोगों से कहना चाहूँगा, यह बड़ी बड़े सक्रिय गैंग के लोग हैं। आजमगढ़ में घटनाएँ ज़्यादा हुई हैं, गाजीपुर में भी हुई हैं। तो भैया, इस पर चुप मत बैठिए। गाजीपुर में है तो गाजीपुर के एसपी को बोलिए, यहाँ करिए। भागेंगे लोग, मैं जानता हूँ, भागते हैं लोग, भागेंगे। भागने के बाद अगर वाराणसी होता है, वहाँ कहिए आप। अब चुप रहेंगे तो इनका मन और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस तरह के अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे जो नए लड़के हैं, पॉकेट मनी उनका ख़त्म हो रहा है प्रवीण जी, तो वह कुछ न कुछ अवैधानिक कृत्य कर रहे हैं। एक चीज़ और है, विषय है जो मुझे लगता है कि जैसे हमने स्किल डेवलपमेंट कर दिया, मतलब कौशल विकास उनका कर दिया, हमने उन्हें पढ़ा दिया, कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ लिए, ट्रिपल सी कर लिए और ओ ग्रुप की पढ़ाई कर लिए, सारा कुछ पढ़ने के बाद अगर आप उन्हें नौकरी नहीं देंगे, कोई व्यवसाय नहीं देंगे, सारे व्यवसाय 4-5 महीने से बंद हैं, तो इसलिए भी अपराध बढ़ रहा है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, कदापि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी अत्यधिक चादर जितने पाँव, तमाम मित्रों से भी कह रहा हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि आप कपड़ा प्रेस क्यों नहीं करा रहे, प्रेस हुआ तो ठीक है, नहीं प्रेस हुआ तो चलिए भैया जो है वही शरीर में प्रेस हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो चादर जितने पाँव, अगर हम यह करेंगे कि जितनी हमारी कमाई है उतने में ही हम संतुलित आधार पर अपना काम चला लेंगे। कोई ज़रूरी है कि 300 सब्जी खाएंगे? सब्जी जब सस्ती थी तो हमने भिंडी की भुजिया भी खाया, परवल का चोखा भी खाया और हमने कटहल का कोफ्ता भी खाया। अब आज अगर भैया महंगाई है तो हम प्याज दाल में, देखिए ऐसा भी होता है, दाल बन गई मान लीजिए, अब दाल कम है, अधिक उसमें अधिक लोग हैं, जैसे जीवन है ना अपना, सभी का जीवन है, तो उसमें हम 3-4 प्याज काट के डाल दिए, प्याज काट के डाल दिए तो दाल भी गाढ़ा हो गई और सब्जी दाल का काम एक साथ हो गया, दाल भी हो गई, सब्जी भी हो गई। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिससे खर्च बचाया जा सकता है। हम तो भैया बच्चों की शादी में, ये आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 कार्ड छपवाया था हाथ से लिख करके और शादी कार्ड ऐसे फोटो स्टेट करवा लिया था, एक पन्ने में 2 कार्ड छपा लिफाफे में डाल करके, 60 पैसे में एक कार्ड हो गया था, 55 पैसे 60 पैसे में। इसका भी आनंद है, जिसको जो कहना होगा कहेगा, प्रवीण आज किसी की औकात नहीं ना है जो कार्ड छपवा दे, और किसी की औकात नहीं है किसी की जो रैली कर दे, 100-200 लेकर, हाँ किसी की औकात नहीं है। मैं तो चिल्ला रहा था कि रैली बंद करिए, सबसे कह रहा था, मोदी जी की रैली में भी जाकर के कहा कि रैली बंद करिए, और यह लोग देख रहे हैं हमको। भैया अगर 1-1.5 लाख लोग रोज देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी 8 बजे आएंगे तो सभी जानते हैं ना कि 8 बजे क्या कहेंगे, भैया लॉकडाउन का अगला चरण कैसा होगा, प्रधानमंत्री जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं। तो कुल मिला करके आज का विषय हमारा इतना कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, नंबर 1। तमाम बस वाले लिखते हैं और गाड़ी वाले लिखते हैं। दूसरा विषय है कि सटला तो गईला बेटा, मतलब सटना नहीं है ऐसे लोगों से। अगर एटीएम कार्ड आप लेके जा रहे हैं तो फिर आप वो एहतियात बरती है, और अपने पास कोई अगर मांगता है कि दीजिए हम निकाल देते हैं तो कदापि ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। आधार कार्ड से आपकी दिक्कत हो सकती है, उसको पता नहीं कैसे, हालांकि वन टाइम पासवर्ड आता है लेकिन पता नहीं कैसे स्कैन कर लेते हैं, तो उस आदमी का एक ही व्यक्ति से निकालिए और बताइए कि भैया दुरुपयोग होगा तो जिम्मेदार आप होंगे, अतः जान लीजिए।
तो इस तरह से जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उसे रोकने की आवश्यकता है। बहुत से एक महिला आई थी, 5 लाख रुपया उनका चला गया, बताया था लॉटरी लग गई और लॉटरी में जमा करते करते 4.5 लाख हो गया। मैं गया गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक के यहाँ कि यह अकाउंट नंबर है, इसमें इन्होंने भेजा है, यह इनके नंबर हैं जिन नंबरों से फोन आता था। तो डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव DIG होकर रिटायर हुए संभवतः, तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और निकाल करके दिया, कहा कि दुबे जी यह मोबाइल देखिए, हमारी भी लॉटरी लगी है 3 करोड़ रुपए की, अब हम किसको खोजने जाएं, अब उनसे क्या बात करेंगे, कप्तान की लॉटरी लगी है, उन पर भी फोन आ रहा है और वो बेचारे दांत छियार रहे हैं, खराब देहाती भाषा है, हाथ पैर फैला दिए भैया, हम क्या कर सकते हैं, तो और लोग क्या करेंगे। इसलिए भैया अपनी सुरक्षा स्वयं, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, गायब होने पर बस का ड्राइवर और कंडक्टर जिम्मेदार नहीं होगा, कंडक्टर और ड्राइवर से भी प्राय शासन और प्रशासन। बहरहाल यदि हो ही जाता है तो चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज प्रवीण तिवारी के साथ, जिनके 40,000 रुपये बारी बारी 4 दिनों में निकाला गया और किस तरह से मेहनत करके इन्होंने अपने पैसे बरामद किए हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, बहुत से लोगों को ट्रेस किया जा चुका है, एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होगा, लेकिन सभी प्रवीण तिवारी नहीं हो जाएंगे। सुभाष चंद्र दुबे जी को बधाई और उनके जो SPRA हैं सिद्धार्थ जी, उनको भी बधाई, मेहनत करके और कुछ घंटों में ही पैसे की बरामदी करा दिया। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। यदि आपको भी ऐसे मामले अगर आते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो हमें भी बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 52 455 444। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार, धन्यवाद।